हे देयर, दिस इज पांच वर्मा और स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन. बेसिकली इट्स ऑन सेंटर ऑफ मास. ओके, और अपना सेंटर ऑफ मास में कई सारे टॉपिक हो चुके हैं. लास्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग आज देखेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. ठीक है, मोशन ऑफ CM. देखो, बोलने को तो अभी एक टॉपिक बच रहा है नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का. बट ये जो टॉपिक है मास डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, ये टॉपिक एडवांस लेवल का है. इससे जो क्वेश्चन आएगा वो एडवांस लेवल का आएगा. ठीक है, बहुत क्वेश्चन है मेरे पास इस लेवल के भी, लेकिन अभी थोड़ा सा रुकना चाहिए क्योंकि आपकी बैटरी बोल जाएगी. ठीक है, हाँ, मतलब मैं आपको मेंस लेवल तक ले जा चुका हूँ सेंटर ऑफ मास में. ठीक है, मेंस लेवल तक ले जा चुका हूँ और नीट तो कवर हो ही चुका है, सेंटर ऑफ मास का कंप्लीट कवर हो चुका है. बट अपन लोग उतना भी आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं बढ़ सकते, एडवांस की प्रॉब्लम है मेरे साथ अभी. आपका क्या है, अभी आपका उतना बड़ा बेस नहीं बन पाया. ठीक है, अभी कई सारी चीज़ें हमें चाहिए जो आपका दिमाग खोलेंगे और धीरे धीरे हम बढ़ेंगे एडवांस पे, डोंट वरी. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ा सकता एडवांस का, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ एडवांस का. ठीक है, जाके देखो 12th वालों के लेक्चर. ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है अभी आपकी कमी है. ठीक है, और उस कमी को मैं अभी नहीं फील कर सकता, मैं फील करूँगा थोड़ी दिनों बाद. सिलेबस थोड़ा सा आगे की तरफ मूव ऑन हो जाने दो. ठीक है, तो हम तब देखेंगे. मैं अभी जो अभी मैं सोच के पढ़ा रहा हूँ कि टिल नाउ आई एम टीचिंग ओनली द स्टूडेंट्स विच आर इन 11th क्लास. मैं उसके लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि अभी 12th में जो है उनके लिए पढ़ा रहा हूँ, या जो पास आउट है उनके लिए पढ़ा रहा हूँ कि जिनको सब पता है पहले से, बस मैं आपको एडवांस के लिए आ रहे हैं. तो मैं उनके लिए लेक्चर अलग से डालूंगा, बाद में डालूंगा, अभी नहीं डालूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं था. ठीक, बहुत बिजी आदमी भाई, मैं बहुत बिजी है, इतना बिजी हूँ कि मेरे को नाम की स्पेलिंग भूल जाता हूँ मैं अपनी अपनी. क्या है, क्या है ये प्रांशु. ठीक, कई सारे प्रियांशु बोल देते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, देखो सिंपल, सबसे पहले क्वेश्चन मैंने उठाया आपके लिए. ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है एकदम कि एक सिस्टम है, सिस्टम में दो बॉडीज हैं, बॉडी ए एंड बॉडी बी. ओके, और फिगर में दिया हुआ है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, द मास ऑफ बॉडी ए इज 2 kg, मास ऑफ बॉडी बी इज 3 kg, एंड द वेलोसिटीज बाई विच आर दे आर मूविंग, दैट द वेलोसिटी ऑफ ए इज 5 m/s, द वेलोसिटी ऑफ बी इज 4 m/s, एंड बोथ आर मूविंग अपोजिट टू ईच अदर. ठीक है, मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दैट मीन्स द वेलोसिटी इज अवे फ्रॉम ईच अदर. ओके, अपोजिट टू ईच अदर. ओके, क्लियर. ठीक, तो वाट वी हैव टू फाइंड, द क्वेश्चन सेज कि वाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास. वो याद है क्या वेलोसिटी का फॉर्मूला, m1v1 + m2v2 / m1 + m2. अब तो कई बच्चों ने लगा दिया होगा कि 2 × 4 = 2 × 5 + 3 × 4 / 3 + 2, मतलब 5 × 10 = 12 / 5, मतलब 22 / 5 + 4 सर ये होगी 4.4 m/s, है ना. सही बच्चे बोल दिए होंगे, अभी तक आंसर आ चुके होंगे कईयों के, है ना. लेट मी टेल यू वन थिंग, सब रंग है, सब गलत है, सब गलत है जो आपने किया, सब गलत है भाई साहब. आप एक चीज भूल रहे हो फॉर्मूले में, समझे नहीं समझे, वेलोसिटीज आर द वेक्टर क्वांटिटी, यू हैव टू मैनेज देयर डायरेक्शन ऑल्सो. ओके, अपन लोग उसको इस तरीके से नहीं ले सकते कि बस सीधा मैग्नीट्यूड उठाया डाल दिया, अपने को उसको मैग्नीट्यूड वाइज प्लस डायरेक्शन वाइज बोथ कंसीडरेशन में लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं ले सकते. अब देखो अपोजिट टू ईच अदर है, अवे फ्रॉम ईच अदर है, तो ऑब्वियस ही बात है एक इस तरफ है एक इस तरफ होगा, एक इस तरफ है एक इस तरफ होगा. ये ओरिजिन मान लो ऐसे, हालांकि इसमें ओरिजिन की जरूरत नहीं है आपको, बट ओके टेक दिस थिंग इज एन ओरिजिन, दिस थिंग इज द ओरिजिन. ओके, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस. हो गया आपका आंसर, बस
क्या करना था आपको, नथिंग टू डू, दिस शुड बी माइनस, ये क्या है, कितना वेलोसिटी है इसकी, 3, ये 4, ये पॉजिटिव रहेगा, बस दैट्स इट, दैट्स टू टू डू 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 टू टू डू 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 बाइला में कोमो सी के पास, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं, ताकि 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 सर कौन सी भाषा में गा रहे हो, हाँ आज मैं स्पेनिश गाना सुन के आया, 12 - 10 2/5 दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इस वेलोसिटी से रन करेगा, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, हाँ समझ में आया क्या, 0.4 मीटर पर सेकेंड, नॉट द 4.4, इट विल बी 0.4, 0.4, समझ में आया, समझ में आया, ईजी ईजी था, ठीक है। और देखो 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 एक चीज़ देख लो यहाँ पे, अच्छा वेलोसिटी की वैल्यू प्लस आई निगेटिव आई, बस इस चीज़ पे ध्यान दो, वेलोसिटी जो आई है सेंटर ऑफ मास की वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, दैट इज द इशू, दैट इज द पॉइंट, यू शुड नो अबाउट इट, पॉजिटिव आई है, कैसी आई है, पॉजिटिव, इसका मतलब ये इस तरफ तेजी से भाग रहा है, ये धीरे धीरे भाग रहा है, तब भी सेंटर ऑफ मास इसकी तरफ है, सेंटर ऑफ मास इस तरफ जा रहा है, सेंटर ऑफ मास क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे वजन ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, ओके चलिए, आसान था 0.4 क्वेश्चन, आसान था, सिंपल था, ओके आप एक काम करो, इसको उतारो, मैं पॉज मारता हूँ, दूसरी वीडियो, द नेक्स्ट क्वेश्चन सर बहुत आसान है, एक लाइन का आंसर है इसका, ठीक है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये, इस टाइप का क्वेश्चन आपको ट्रिकी क्वेश्चन मिलते हैं जो कॉम्पिटिशन में पुराने टाइम में पूछे जाते थे, नाउ दीज आर बेस क्वेश्चन, ये बेस क्वेश्चन बन चुके हैं अब, ताकि आपका बेस डेवलप हो सके, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि देर इज अ टू बॉडी, बॉडी बी एंड बॉडी ए, ओके पता नहीं अजीब से लगा इधर, ओके बॉडी बी का जो मास है वो गिवन है 5 kg एंड बॉडी टू का मास गिवन है, मतलब बॉडी ए का मास गिवन है 2 kg, ओके और बोला है कि व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी सो दैट के सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल बी इन स्टेशनरी, ओके विल बी इन रेस्ट, विल रिमेन स्टेशनरी, ओके और व्हाइल द बॉडी इज ए ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 m/s, ट्राई टू फाइंड द वैल्यू, सेम वही कंसेप्ट लगाना जो पहले करना था, बस राइट नाउ यू हैव टू वैल्यू, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी बी व्हाइल द सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी इज 0, करो, फॉर्मूला आ गया होगा आपके पास, m1 v1 इक्वल टू m2 v2, नहीं आया, देखो टुक 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 टुक, चलो दिस बॉडी ए दिस बॉडी बी, लेट अस कंसीडर कि बॉडी ए इज मूविंग टूवर्ड्स हियर विद वेलोसिटी 10 m/s एंड द मास ऑफ इज 2 kg, गिवन द मास ऑफ बी इज 5 kg एंड इसकी वेलोसिटी अपने को फाइंड करनी है, ओके ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं बीच में, कहीं ना कहीं इस लाइन पे कहीं ना कहीं होगा सेंटर ऑफ मास, एंड सेंटर ऑफ मास विल बी टूवर्ड्स 5, क्यों, बिकॉज द मास इज हैवी इज हियर एंड उधर कम है, ओके उधर कम है, क्लियर, मास ज़्यादा इस तरफ है, ओके ओके अपन लोग कुछ निकाल लेते हैं, क्या निकलें, वेलोसिटी निकालने के आपको इसकी, ऑब्वियसली बात है कि यदि ये इस तरफ मूव करेगा तो सेंटर ऑफ मास भी इस तरफ मूव करेगा, बट अपने को सेंटर ऑफ मास को क्या रखना है, स्टेशनरी रखना है, सेंटर ऑफ मास को क्या रखना है, स्टेशनरी मान के रख लो, किसके ऊपर डंडा लगा दो, एक डंडा लगा दो बस, फिक्स हो जाए इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, टू मेक द सेंटर ऑफ मास इन रेस्ट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी शुड बी स्टेशनरी, और शुड बी स्टेशनरी, और दूसरा चीज भी है, शुड बी स्टेशनरी और दूसरी भी चीज, दूसरी चीज ये है कि दिस तरफ इस तरफ डिस्टेंस और इस तरफ डिस्टेंस ग्रेजुअली बढ़े, ठीक है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो, उस चीज को भी देखेंगे अपन लोग, उस चीज को भी देखेंगे, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, बम फोड़ेंगे बम, आज नहीं फोड़ेंगे, जब कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन कराऊंगा मेन्स के क्वेश्चन तो वहाँ पर बम फोड़ूंगा, बम फोड़ूंगा, TNT फोड़ूंगा, ठीक है, अरे हाँ उससे याद आया, आज तो पाकिस्तान में एक मदरसे में फटे बम, 7 बच्चे मर गए हैं यार, मतलब बहुत कांड हो रहे हैं आजकल यार तेज़ दुनिया में, आज ही की न्यूज़ है, बेचारी एक हरियाणा में एक लड़की को मार दिया,
न्यूज़ ही न्यूज़ है, खतरनाक खतरनाक। ठीक है, अपन लोग इस पर ही जाते हैं क्योंकि दर्द होता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हम फोड़ेंगे, फोड़ के वहाँ पे सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल्स इधर उधर भागेंगे, दूर भागेंगे, बट सेंटर ऑफ मास सेम रहेगा उनका, ये भी चीज़ देखेंगे हम। ओके, तो बेसिकली अभी सोच लेते हैं, कि वो यदि इस तरफ भाग रहा है, ओके, वो इस तरफ भाग रहा है, इस पर बोल देते हैं टूवर्ड्स बी, विद टूवर्ड्स बी, ओके, टूवर्ड्स बी भाग रहा है, तो बी को भी इस तरफ भागना पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ मास वहीं रहे, सेंटर ऑफ मास का मोशन ना हो, ओके, सेंटर ऑफ मास चेंज ना हो, ये, ओके। सो अपन लोग काम करते हैं, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या करते थे, जीरो, उसका फॉर्मूला क्या है, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। इस बार मैं सही लिख रहा हूँ, बिल्कुल सही लिख रहा हूँ, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द बोथ वेलोसिटीज इज सेम। सो अपन लोग सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, राइट नाउ दिस विल बी गो टूवर्ड्स ही, और जीरो में मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, कोई दिक्कत, ओके, इसको इधर भेज दो, ओके। अच्छा रुको यार, मैंने कुछ गलत बोल दिया, हाँ गलती बोल दी मैंने, इसकी डायरेक्शन इधर करोगे तो दूर भागेगा, इस तरफ करो इसकी डायरेक्शन, ओके, पता चल जाएगा क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसे, ठीक है, इसी से पता चल जाएगा, डायरेक्शन छोड़ ही दो, अपन लोग अज्यूम ही नहीं करते डायरेक्शन लेंगे, अज्यूम ही नहीं करते डायरेक्शन को, ठीक है। अभी अपन लोग बोल लेते हैं कि बस वेलोसिटी वी वन और वी टू है, तो ये इस तरफ जाएगा, एम वन वी वन कम्स इक्वल टू माइनस एम टू वी टू, एंड वी हैव टू वैल्यू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी टू, सो वट विल बी द वैल्यू ऑफ वी टू, माइनस एम वन वी वन अपॉन एम टू, माइनस एम वन वी वन अपॉन वी टू, ओ सॉरी एम टू, मास एम वन की वैल्यू कितनी है, टू के जी, वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, टेन के जी, वो सर टेन मीटर पर सेकेंड, और इसकी मास कितना है, फाइव, माइनस फोर मीटर पर सेकेंड, ये इस तरफ दौड़ रहा है तो इसको इस तरफ दौड़ना पड़ेगा फोर मीटर पर सेकेंड से, ये मैं बोल रहा हूँ, ओके, ये मैं बोल रहा हूँ, इस तरफ भागना पड़ेगा टू मेक द सेंटर ऑफ मास इन दिस पॉइंट स्टेशनरी रहे, ओके ओके, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया, स्टेशन सी एम विल बी हियर, ओके, दोनों की डायरेक्शन कैसी रहेगी, अपोजिट रहेगी एक दूसरे के, कैसी रहेगी, एक दूसरे के अपोजिट रहेगी। अच्छा यदि वो इस तरफ भागने लगे तो इसको भी इस तरफ भागना पड़ेगा, इसको उतारो, इसका दूसरा पार्ट करते हैं, अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, इसको उसको उतार लो पहले, हो गया, हटाऊँ, चलो अभी तो मैंने टूवर्ड्स बी देखा है, अब अवे फ्रॉम बी, अवे फ्रॉम बी, अवे फ्रॉम बी, इसको भी देख लो, बम का बाद में ही करेंगे फिर, अवे फ्रॉम बी में क्या होगा, लुक एट हियर, 10 मीटर पर सेकंड से अवे फ्रॉम बी जा रही, ओके, देखते रहो क्या होगा, सीधी सी बात है फिर से वेलोसिटी यू मान लो, ऑब्वियस सी बात है इस बार उधर जाना पड़ेगा, इसको इस बार उधर जाना पड़ेगा, ठीक है, तो वेलोसिटी तो सेंटर ऑफ मास की जीरो रखनी है, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये इस तरफ भेज दो, एम वन वी वन शुड इक्वल टू माइनस एम टू वी टू, शुड इक्वल टू माइनस एम वन, सॉरी एम टू वी टू, नाउ राइट नाउ वी वन इज नेगेटिव, वी वन इज नेगेटिव एज यू कैन सी, सो वी वन की वैल्यू है माइनस टेन, एम टू की वैल्यू है, सॉरी एम वन की वैल्यू है टू, ओके, और हियर माइनस, यहाँ पे तो वैसे ही लग रहा है, कैलकुलेशन मारा है फाइव इंटू वी टू, माइनस से माइनस गया, फाइव से टू गया, वी टू की वैल्यू इस बार भी फोर आई है, इट इज़ स्टिल फोर बट इट इज़ राइट नाउ पॉजिटिव, पहले निगेटिव आ रही थी, दिस टाइम इज निगेटिव, मतलब इसको उतनी वेलोसिटी से, फोर मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से अवे फ्रॉम द बी जाना पड़ेगा, मतलब ये इस तरफ जा रहा है अवे, तो इसको भी अवे भागना पड़ेगा, इट्स कमिंग टूवर्ड्स इट, इट ऑल्सो इट हैज टू कम टूवर्ड्स इट, वाई वाई बिकॉज द सेंटर ऑफ मास शुड बी स्टेशनरी, सेंटर ऑफ मास क्या रहना चाहिए, स्टेशनरी रहना चाहिए, समझ में आया, समझ में आया, कॉन्सेप्ट आसान है, सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी रखने के लिए अपने को करना क्या है, कुछ नहीं करने का है, कुछ नहीं करना, दैट्स इट, जस्ट जीरो रख दो, और यदि टू बॉडीज का है तो तुक्का बता दे रहा हूँ, तुक्का नहीं है, मतलब कंसेप्ट ही है वो भी, बट आप ये याद रख लो, एम वन वी वन इक्वल टू माइनस एम टू वी टू, बस ये याद रख लो, ठीक है, टू बॉडीज के लिए, ओनली फॉर टू बॉडी, इट वर्क ओनली फॉर टू बॉडी,
मतलब 10-15 होंगी तो वहाँ पे वर्क नहीं करेगा ये, फिर वहाँ पे सिस्टम अपना बेसिक से ही लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन ईजी था, क्वेश्चन ईजी था, उतारो, एक्सेलरेशन आ रहा है। द क्वेश्चन नंबर 3, एज यू कैन सी दिस क्वेश्चन, देर इज अ फिगर, ओके, एक फिगर है जिसमें पोली है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से बंधे है दो मास, ठीक है, और हमारे से पूछा है कि इस सिस्टम का आपको सेंटर ऑफ मास बताना है। बेसिकली पुली इज मासलेस, ठीक है, बेसिकली दिस टेंशन इज ऑल्सो मासलेस, एंड इफ अ बॉडी इज मासलेस देन देर इज नो सेंटर ऑफ मास ऑफ इट। यदि कोई बॉडी मासलेस है तो उसका सेंटर ऑफ मास आएगा कहाँ से, जब मास ही नहीं है, ठीक है। हालांकि देर इज नो बॉडी विच इज मासलेस, कोई भी बॉडी दुनिया में नहीं है ऐसी विच इज कि मासलेस है। हालांकि अपन लोग कई सारी चीज़ों को मासलेस बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको धीरे धीरे, जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको कोई सारी चीज़ें पता चल जाएगी। ओके, ठीक, ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू दैट, जस्ट फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम एंड ऑल्सो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ओके, वेलोसिटी फाइंड करनी है अपने को, एक सेकेंड पे, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, लॉज ऑफ मोशन आ गया अभी तो बेटे, आज का लेक्चर सबसे आसान है, ये समझ लो सबसे सिंपल है आज का लेक्चर। क्यों, जो अगला लेक्चर होगा, कल का लेक्चर होगा, वो रोटेशनल मोशन पे स्टार्ट होगा, एंड रोटेशनल मोशन का मतलब बाप रे बाप, तब समझ में आएगा आपको, फिजिक्स स्टार्ट हो रही है तब स्टार्ट होगी एक्चुअली में, रोटेशनल मोशन से टिपिकल फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी, अपन लोग उसको आसान बनाएंगे वो बात अलग है, लेकिन बहुत टिपिकल है। ओके, टीचर लोग भी हिल जाते हैं रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन करते हुए, ओके, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ऐसी चीज़ है जिससे सब लोग हवा खाते हैं, सब लोग हवा खाते हैं, सब में मैं भी आता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं उबड़ खाबड़ रास्तों से कहीं से भी किसी पहाड़ की चोटी से भी चल के आंसर तक पहुँचता हूँ, ठीक है, किसी भी स्थिति में, एनी हाउ, ओके, ये याद रखना। मतलब यदि कोई क्वेश्चन मेरे को पहुंच गया मेरे पास, तो उसका जब तक सॉल्यूशन मैं नहीं दूंगा तब तक मैं सांस भी नहीं लेता। अब मुश्किल से आज तक ऐसा हुआ नहीं है, 5 मिनट सबसे ज़्यादा हुई है मेरे को किसी क्वेश्चन में, ठीक है, कि मैंने क्वेश्चन में सॉल्यूशन नहीं दे पाया, मेरे पुराने स्टूडेंट सब जानते हैं, किसी क्वेश्चन में आंसर नहीं दे पाया, 5 मिनट बस, ठीक है, 5 मिनट में मेरा दिमाग चल जाता है, ठीक है, कभी कभी होता है। ओके, इसका वेट नीचे की तरफ वर्क करेगा 5G, इसके ऊपर टेंशन वर्क करेगी, इसका वेट 3G नीचे की तरफ वर्क करेगा, इसके ऊपर टेंशन वर्क करेगी, सर 4G कहाँ गया, 4G गया पुली में, ठीक है, ओके, बहुत दोनों जगह पुली टेंशन होगी ना, ओके, अब ऐसी बात है, मोशन विल बी फ्रॉम दिस डायरेक्शन एंड दिस विल बी गो अप दिस, ओके, सो हियर द मोशन विल बी लाइक दिस एंड दिस, ओके, नेट फोर्स विल बी अपवर्ड इन दिस इनवर्ड। इसको देखो सबसे पहले 5 kg को, एफ नेट शुड बी इक्वल टू 5G - T और 5A इक्वल टू 50 कर दो उसको माइनस टी, 5A दिस इज A, ठीक है, 5G की वैल्यू मतलब G की वैल्यू 10 रख दी तो 50 हो गया माइनस टी, ओके, हियर द एफ नेट शुड बी इक्वल टू T - 3G, और एफ नेट की वैल्यू क्या होगी, 3A फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन, ओके, दोनों में अपने को टेंशन की वैल्यू चाहिए ही नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ, लिटरली बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं चाहिए, 3A इक्वल टू T - 30 गया, 50 - 30 दैट विल कम इक्वल टू 20, एंड फ्रॉम हियर आई एम एडिंग दिस इक्वेशंस, मतलब ये माइनस का माइनस ही रहेगा, जो प्लस है प्लस का ही प्लस हो जाएगा, ओके, आई एम जस्ट एडिंग द इक्वेशन, सो दिस विल बिकम इक्वल टू 8A, ओके, सो A विल कम इक्वल टू 20/8 एंड दैट विल कम इक्वल टू 2.5, या इज इट 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, बहुत बढ़िया, दिस इज द एक्सेलरेशन, बट दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ मासेस, ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं है, याद रखना,
This is not the mass of acceleration of center of mass. This is the acceleration by this 5g is going downward and this 3g going upward. Okay, clear? Okay. Now let's try to calculate the value of center of mass. Okay, ये समझ में आया? ये तो सिंपल है, ये तो इसमें कुछ समझ नहीं है, ये तो लॉज ऑफ मोशन में हमने पढ़ा है. इसको हटा दूँ मैं? हटा दूँ? चलिए, क्योंकि यहीं से काम चल जाएगा हमारा इस फिगर से. ना हाय मेरी मोटो. चलिए, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन? एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू अपॉन एम वन प्लस एम टू. प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. सर यू आर राइट बट नॉट आई एम नॉट राइट. वाई? नाउ आई एम परफेक्टली राइट. ठीक है, याद रखो इन चीज़ों को. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गलती करेंगी, जो गलती करेंगी. टेक्निकल गलती यहीं से होगी. ठीक है, यदि वो फॉर्मूला लगता इफ बोथ आर सेम डायरेक्शनल एक्सेलरेशन, यदि दोनों एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शनल होते तो दैट फॉर्मूला विल वर्क. वो लगता जरूर. बट राइट नाउ, बोथ बॉडीज आर एक्सेलरेटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन बट इन सेम मैग्नीट्यूड. द डायरेक्शन इज डिफरेंट, द सेम इज मैग्नीट्यूड, बट द एक्सेलरेशन विल रिमेन डिफर. वाई? बिकॉज द डायरेक्शन इज डिफर, दैट्स वाई. ये हमें एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा. ऑब्वियसली बात है, इट इज गोइंग अपवर्ड. दिस 3g गोइंग अपवर्ड. सो अपन लोग 3 का एक्सेलरेशन जो लेंगे वो लेंगे पॉजिटिव. एंड दिस इज गोइंग डाउनवर्ड. 5g का एक्सेलरेशन नेगेटिव लेंगे. ओके, जिस डायरेक्शन में मोशन उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन. याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर दिस. ओके, नाउ आई एम जस्ट यूजिंग मैग्नीट्यूड. ओके, मास m1 इक्वल टू 3g ले लो, मतलब 3 ले लो. g नहीं लेना, a लेना, 3 लेना. और एक्सेलरेशन कितना है इसका? 2.5 अपवर्ड डायरेक्शन में प्लस 5 × 2.5, बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो भैया देर शुड बी अ निगेटिव. 3 + 5 दैट विल इक्वल टू 8. 2.5 3 एंड माइनस 5 × 2.5 कितना हो जाएगा? 2 × 2.5. कैसे आ जाएगा? सोच लेना. ऊपर हो जाएगा 5 × 2.5 × 2 5/8. दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. -5/8. -5/8 का मतलब क्या है? सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ जाएगा बाई एन एक्सेलरेशन ऑफ 5/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अप्रॉक्सीमेटली 0.625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. This acceleration will be the center of mass acceleration. Clear? Is it clear to you? Now, let's find the velocity of the center of mass. देखो, here you have two ways to find the velocity of center of mass. But पहला तो ये है कि आप फॉर्मूला यूज करो m1 v1 + m2 v2 / m1 + m2 = v. Okay? But for that thing, you have to find the velocity of v1 and v2 also. एट वन सेकेंड पे आपको दोनों की वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी. क्लियर है? कर सकते हो आप लोग? इफ यू वॉन्ट टू डू दिस यू कैन डू दिस. बट अपने पास दिमाग है. दिमाग, इंसान के पास क्या होता है? दिमाग. हटाऊं दर का? थोड़ा सा मिटा देगा. ओके, वी हैव माइंड. ओके, और हमारा माइंड बोलता है कि वी शुड बी इक्वल टू भाई UCM प्लस ACM इंटू टी. भाई एक्सेलरेशन ही तो है. सेंटर मास कोई अलग से हवा थोड़ी आ गया है. सारे तो इक्वेशंस फॉलो करेगा ना वो. ऑल इक्वेशंस कैन बी अप्लाइड ऑन ACM, सेंटर ऑफ मास. ओके, सारी इक्वेशन अप्लाई हो सकती है हमारी. s = u2 + ½at² v² = u² + 2ac v = u + atf = ma. सब अप्लाई हो सकता है, सब कुछ. ठीक है, यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग दैट लाइक भैया अवेयर रहना है. तो बस जस्ट फाइंड द वैल्यू. दिस विल बी 5/8. ओके, राइट नाउ यू डोंट हैव टू यूज द वैल्यू ऑफ नेगेटिव. करनी है तो कर लो. लो, ओके, दिस नेगेटिव साइन विल शो दैट कि द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द मास विल बी गो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. डाउनवर्ड डायरेक्शन में द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द मास विल बी अकॉर्ड. ओके, दिस नेगेटिव साइन शोज दैट. ओके, बस नथिंग दैट.
अपन लोग ने यू सी एम जीरो क्यों लिया, वाई वाई वी टेक यू सी एम एस जीरो, बिकॉज बिकॉज क्योंकि जब हम इनिशियल स्टार्ट करते हैं शुरुआत में जस्ट, तो अपन लोगों ने दोनों मासेस को स्टेशनरी रखा हुआ है एट दैट टाइम, अपन लोगों ने पकड़ के रखा होगा और हाथ हटा दिया होगा, तभी तो वो एक नीचे एक ऊपर गया। बिफोर दैट बोथ आर स्टेशनरी, इनिशियल एट टी इक्वल टू जीरो, ओ ओ ओ पकड़ लिया ठीक है, एट टी इक्वल टू जीरो बोथ मास शुड बी स्टेशनरी, बोथ मास शुड बी स्टेशनरी, क्लियर, आसान था। उतारो, अगला क्वेश्चन करते हैं। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ी हेर फेर कर दी है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं लॉज ऑफ मोशन में, बट इसको मैंने यहाँ के लिए डिज़ाइन कर दिया है ठीक है। यहाँ पे एक दो बॉडीज हैं 10 kg एंड 20 kg, हियर देयर इज अ फ्रिक्शन फोर्स और कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 एंड वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी और सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जस्ट ओके इतना पता करना है। तो कॉन्सेप्ट वही, दोनों का एक्सेलरेशन निकालो, इसका एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन, और जस्ट डू द फॉर्मूला, जस्ट डू द अप्लाई द फॉर्मूला ठीक है, अप्लाई करें ओके। पुली एंड स्ट्रिंग इज मासलेस, एफ बी डी बनाओ, ये इधर ये इधर, टेंशन इस तरफ, टेंशन इस तरफ, क्लियर, आसान है ओके। इक्वेशन बनाओ, एफ बी डी बनाओ पहले तो, ये टेंशन इस तरफ टी ओके, ये 0.4 इंटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड एंड 20 इंटू जी विल बी गो डाउनवर्ड 200 न्यूटन, दिस विल बी द एफबीडी ऑफ दिस। नाउ दिस एफबीडी विल बी सिंपल एज दिस ठीक है ओके, क्लियर है, आसान है ओके। नाउ लेट्स अप्लाई फोर सेकेंड वन ओके, सेकेंड वन के लिए एफ नेट क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है बॉडी नीचे की तरफ जाएगी 100 माइनस टी ठीक है, अपन लोग ये मान के चलते हैं बॉडी विल गो अपवर्ड, ऐसा नहीं होगा स्टेशनरी, यदि एफ नेट है तो वो नीचे की तरफ ही होगी फोर्स, यहाँ पे स्टेशनरी हो जाएगी ओके। अपन लोग बाद में देखेंगे स्टेशनरी हो रही है क्या हो रही है ठीक, कोई प्रॉब्लम, यू डोंट हैव प्रॉब्लम ओके। सेकेंड वन के लिए देखते हैं एफ नेट क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है इफ दिस 10 kg इज गोइंग डाउनवर्ड देन द टेंशन शुड बी ग्रेटर एंड द मोशन विल बी, द मोशन ऑफ दिस ब्लॉक 20 kg विल बी टूवर्ड्स द टेंशन ओके दिस, और इसमें सब्सट्रैक्शन क्या आएगा, इसमें सब्सट्रैक्शन आएगा फ्रिक्शन फोर्स, कंसेप्ट करते जा रहे हो ना, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग बहुत किए होंगे, एम इंटू जी मास कितना दिया है 20 इंटू जी 10 200 का फोर्थ, जल्दी करो बीचो ऐसे यही हो जाएगा ना, यही हो जाएगा, आसान है बहुत हो जाएगा। अब एफ नेट कितना होगा इसका 20 इंटू ए, ऊपर है 10 इंटू ए इक्वल टू 100 माइनस टी, आई डोंट नीड टी सो काट दिया टी को, 100 माइनस 80 दैट विल कम इक्वल टू 20, हियर दिस विल गोइंग टू बी एड इन, सो ए विल कम इक्वल टू 20 बाई 30 2 बाय 3 मीट पर सेकेंड, बट लुक एट हियर दिस इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, 2/3 एक्सेलरेशन इज इन एक्स एक्सिस, सो आई कैन, दिस इज गोइंग डाउनवर्ड, दिस इज माइनस वाई एक्सिस, द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इज 2/3 बट जे कैप इन माइनस वाई एक्सिस, इज इट क्लियर टू यू, इज इट क्लियर टू यू ओके। तो यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन दो डायरेक्शन में निकालने पड़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ए एक्स एंड ए वाई, ए एक्स एंड ए वाई ओके, दोनों डायरेक्ट देखो, इसका इनिशियल एक्सेलरेशन है एक्स एक्सिस में, इसका वाई एक्सिस में है, तो वी हैव टू अप्लाई इन बोथ डायरेक्शन एक्सेलरेशन, तो सी एम दोनों डायरेक्शन में लगेगा, हाँ जी, एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। नाउ द एक्सेलरेशन इन सेकेंड ब्लॉक, मतलब इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में तो है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन ए टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ जीरो, एंड हियर इज ओनली एक्सेलरेशन विल अप्लाई 2/3 ओके, 2/3 अपॉन एम वन प्लस एम टू, मतलब 20 प्लस 10 मास दोनों जुड़ेंगे, मास दोनों जुड़ेंगे, यही याद रखना है आपको ओके। सो द ए एक्स विल कम इक्वल टू क्या आ रहा है देखो जरा, 20/10 30 20 2 और 3
यहाँ ले लो 40/90, जीरो हटाओ 4/9, कौन से एक्सिस में आया ये, आई कैप में आया। ओके नाउ द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में ए वन की वैल्यू जीरो है, वाई एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन है क्या पहले ब्लॉक पे? नहीं, बस उसको नहीं लेंगे, किसको लेंगे सीधे 10 को लेंगे, 10 × 2/3 बट इन माइनस। ओके जे कैप है ना माइनस का, माइनस लगे और नीचे क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, जैसे पहले आ रहा था। सो दिस विल बिकम 20/90 और -2/9 जे कैप। ओके जिसको वेक्टर पढ़ा है, जिसने वेक्टर अच्छे से पढ़ा है उसको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी ए वाई और ए एक्स निकालने में। नाउ द सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन, ये क्या होगा? ऑब्वियस बात है इन दोनों का वेक्टर एडिशन, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है बस अपने को, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, जस्ट डू दिस थिंग। कितना है ए 4/9 और वो 2/9 4/9 दोनों का एलसीएम 9 आ जाएगा, उसका स्क्वायर करोगे उसको बाहर निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं, इतना जल्दी कर देते हैं। 16 + 2 का स्क्वायर 4 ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें से 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 5, अंडर रूट 20 की वैल्यू होती है 2√5, फाइंड करके देखना यही आ गया 2√5/9 m/s², m/s² लगा देना सब पे, मैंने नहीं लगाया किसी पे भी। राइट नाउ हियर ms/2 और इधर भी m/s². ओके सो दीज आर द क्वेश्चन ऑन द सेंटर ऑफ द मास ऑन मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ द मास। और लेकिन ये लास्ट नहीं है, यही काफ़ी नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको करने चाहिए। ठीक है, आप NCERT की बुक में से उठाओ, आप कहीं से भी उठाओ, फ्रॉम वेयर आपको मेरे से क्वेश्चन चाहिए, आप नहीं मिल पा रहे हो अच्छे अच्छे क्वेश्चन, तो आस्क मी, आई विल गिव यू द क्वेश्चन, आई हैव लॉट्स ऑफ एनी द क्वेश्चन। ओके लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तो अगला लेक्चर समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन रोटेशनल मोशन, अपन लोग वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडे सॉल्व करने वाले हैं, वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिस्कशन होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 11th क्लास का मोस्ट टिपिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है, तीनों चीज मोस्ट है उसमें, सब अपर लेवल पे जाके सब कुछ मोस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। ओके और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से इंटरेस्ट लेके सीखें, बहुत आसान कर दूंगा मैं आप लोगों के लिए, आपने यदि पिछले सारे कंसेप्ट अच्छे से पढ़े हुए हैं तो। ओके तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, थैंक यू एवरीवन।